रोडवेज के कर्मचारियों को विगत कई महीनों से 2 माह का वेतन ड्यू होने के पश्चात 1 माह का वेतन और पेंशन मिल रहा है, लेकिन 1 माह का जो वेतन है वो निरंतर नहीं मिलने से रोडवेज कर्मचारी कठिनाई में हैं और व्यथित हैं और आक्रोशित हैं। हमने समय समय पर आंदोलन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया। अंतिम बजट सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत आशय रोडवेज कर्मचारियों को थी, लेकिन जिस प्रकार से घोषणा हुई है रोडवेज कर्मचारी ठगासा महसूस कर रहा है, क्योंकि वर्तमान में जो वेतन पेंशन नहीं मिल रहे हैं, सरकार एक तरफ ओपीएस की घोषणा कर रही है तो जो नियमित वेतन पेंशन कैसे मिलेंगे, इस शंका का समाधान हो इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से, आपके टीवी चैनल के माध्यम से राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि वे राजस्थान रोडवेज के होनहार कर्मचारी जो हर सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनको धरातल पर साकार करते हैं, ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने कोविड काल में और परीक्षार्थियों की परीक्षा काल में कंधे से कंधा मिलाकर सरकार का सहयोग किया, उनको समय पर वेतन पेंशन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके परिलाभ भुगतान समय पर हो, उस हेतु आगामी जो 17 तारीख को बजट में वो घोषणा करने वाले हैं रोडवेज कर्मियों के लिए एक विशेष पैकेज अनुदान इस मद में दें ताकि रोडवेज कर्मचारियों को समय पर वेतन पेंशन मिले। हमने सभी पूर्व से कहा है कि रोडवेज के घाटे का प्रमुख कारण राजस्थान प्रदेश में व्याप्त ये व्यापक अवैध वाहन संचालन है। सरकार अभी प्रयास कर रही है, जॉइंट चेकिंग प्रयास चल रहे हैं और परिणाम भी सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार से हम अपेक्षा करते हैं और अपील करते हैं रोडवेज कर्मी कि हमारे वेतन पेंशन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिलाभों के लिए, इस रोडवेज को बढ़ाने के लिए, इस कुनबे को आगे बढ़ाने के लिए नई भर्ती, और आज हमने सरकार को ज्ञापन देंगे जिसमें हम रोडवेज के इस कुनबे को बढ़ाने के लिए, इसको जीवंत करने के लिए, आम जन की लाइफलाइन इस रोडवेज को जीवंत रखे सरकार, इस हेतु इसके कुनबे को बढ़ाया जाए, नई भर्तियाँ की जाए और रोडवेज की नई गाड़ियाँ की खरीद हो, इन सब बातों को लेकर हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, यातायात मंत्री महोदय को, राजस्थान रोडवेज के अध्यक्ष महोदय को और हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। आपका नाम? मैं आनंद सिंह नयाल, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष परिवहन फेडरेशन भारतीय मजदूर संघ।